ठीक है जी। Thank you so much for bringing them back. Our privilege, sir. Thank you so much. Thank you so much. Even I am also with you. Come everybody. Hello, come my group. Hello sir, how are you? Thank you so much for bringing them all back. जो व्यवस्था वहाँ है उसे आप भी अच्छी तरह से परिचित हैं, जो युद्ध का वातावरण वहाँ है उस वातावरण में भी हम लोग दोनों सरकारों से बात करें हमारे नागरिकों को हर सुविधा प्राप्त करवाने के लिए और उनको सुरक्षित वापस आए। सर 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 वहाँ पे लड़के सर परेशान हो रहे हैं सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर योजना दीजिए, ऑपरेशन गंगा भारत सरकार ने चला, क्या कहेंगे? कितना मुश्किल था इन लोगों को यहाँ ले हमारी भैया हाथ कर लो सर, सर हाथ कर लो, अरे इतने पीछे करो, फोन पीछे कर। ये विश्वास हम हर एक नौजवान के माता पिता को देना चाहते हैं और हर व्यक्ति को देना चाहते हैं। सर लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं सर, सर रेस्क्यू हो चुके हैं और कितने अभी बाकी हैं आप लोगों के जो अनुमान है, जो अनुमान है हमारे कुल मिला के 14-15 हज़ार नागरिक अभी भी यूक्रेन में थे। कल की दो फ्लाइट्स और आज की दो फ्लाइट्स जो हंगरी और रोमेनिया से आने वाली हैं, कुल मिलाकर करीब 1000 लोग, 250 लोग प्रति फ्लाइट करीब इन चारों फ्लाइट्स में आएंगे, तो करीब 12-13 हज़ार अभी भी हमारे नागरिक वहाँ सर लगातार सर जो और हमारी पूर्ण कोशिश है। आप जैसे आपको भी मालूम है कि अभी वहाँ एक बहुत गंभीर स्थिति है और इस गंभीर स्थिति में एक एक हमारे नागरिक, एक एक बच्चे से दूरसंचार के आधार पर चर्चा हो रही है और जैसे भी हो जल्द से जल्द हम उन्हें निकाल कर सुरक्षित भारत लाएं। सर कुछ छात्रों से वीडियो आ रही है कि वेस्ट ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा तबाही है उधर, अब वहाँ पर बंकरों में छुपे हुए हैं, वहाँ पर किस तरीके से आप लोगों का ऑपरेशन स्टार्ट होगा? ये जो मैंने आपको कहा कि ये पल पल परिस्थिति बदलती हुई जा रही है, तो मैं आपसे भी निवेदन करूँगा प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते कि ये विश्वास रखें कि सरकार कटिबद्ध है एक एक नागरिक को वापस लाने के लिए। जैसे स्थिति बदलती जा रही है उसके आधार पर हमारी नीति भी हम लोग बना रहे हैं ताकि एक एक नागरिक को हम लेके आएँ। ये विश्वास भारत सरकार एक एक नागरिक और उनके परिवार को देना चाहता है। आगे आने में बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरा नाम शिवम है, मैं दिल्ली में रहता हूँ और अभी हम चिन्नीविच्ची से आए हैं। चिन्नीविच्ची यूक्रेन में है, वेस्टर्न पार्ट में। अगर सिचुएशन की बात की जाए तो कीव में सिचुएशन बहुत टफ है और हमारी जो सिटी है पर्सनली चिन्नीविच्ची, वहाँ पे सिचुएशन अभी नॉर्मल है। लेकिन चिन्नीविच्ची से दूर कुछ 100 किलोमीटर दूर वहाँ पे इवानो फ्रांसिस्क है, वहाँ पे कंडीशन वहाँ पे भी ख़राब हो गया है और खारकी, विनिचिया काफ़ी स्टेट में ख़राब हो गई थी, पर अब गवर्नमेंट ने हमारा इवैक्यूएशन कराया। सो अब वी आर वेरी थैंकफुल फॉर आवर गवर्नमेंट एंड ऑल्सो आवर एजेंट ऑल्सो हु इज़ डॉक्टर सुनील शर्मा सर, ही ऑल्सो हेल्प अस इन इवैक्यूएटिंग फ्रॉम देयर। सो कौन सी यूनिवर्सिटी में थे आप वहाँ पर? बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप दिल्ली में रहते हैं?
हाँ जी दिल्ली में रहता हूँ। बस मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है कि मेरी बेटी वापस आ गई और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और भी जितने बच्चे हैं वो सब वापस आ जाए। जैसे मैं परेशान हूँ ऐसे ही उनके भी पेरेंट्स परेशान हैं। तो सर मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी बच्ची की पहले भी फ्लाइट हो चुकी थी पर उन्होंने अब ये एयर इंडिया से वापस आए बच्चे, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है अपने पेरेंट्स के पास आके? अब बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अब कुछ नहीं चाहिए। बस मैं लास्ट में यही बोलूंगी, ये जंग यही बोलूंगी जिसको बच्चे जीत जीत जय हिंद जय भारत। भारत से सेफ कुछ नहीं, भारत सेफ है। यहाँ पर इन छात्रों के साथ उनके परिजन भी मौजूद है और देखिए किस तरीके। अरे यार भाई आप बीच में आ जाते हो यार। आप यूक्रेन से आए हैं, क्या सिचुएशन है उधर? एक्चुअली वी वर लिविंग इन चेर्नोवित्सी, दे आर इवैक्यूएटिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम रोमानिया विच इज एंड आवर एरिया इज नियरेस्ट टू द रोमानिया, सो दे स्टार्टेड फ्रॉम चेर्नोवित्सी बट द चिल्ड्रन आर स्टिल देयर इवन इन चेर्नोवित्सी एंड द वर्स्ट सिचुएशन इज देयर इन कीव एंड खार्किव एंड स्टूडेंट्स आर स्टिल लेफ्ट देयर। They are even in worse situation than us. Our area was not affected yet. They have already been affected. What's the island? मैं fourth year का student हूँ यूक्रेन में। क्या हालात है वहाँ? हालात बहुत बुरे हैं वहाँ पे, बम्बार्डिंग हो रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हैं और सिचुएशन नाजुक है, कभी कुछ भी हो सकता है और हो ही रहा है। आपके कितने साथी और उधर से? अभी हमारे 10-15 दोस्त साथी और भी हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो कीव शहर में फंसे हुए हैं, कुछ चेर्नोवित्सी में फंसे हुए हैं, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। कितने टाइम से आप यूक्रेन में थे? जी मैं 4 साल से था। आप वहाँ पे जॉब करते हैं? नहीं नहीं मैं स्टूडेंट हूँ फोर्थ ईयर का। इंडिया में आप कहाँ पर स्टे करते हैं? जी बिहार का हूँ। अभी तो हम जस्ट आए और नेटवर्क तो है नहीं हमारे फ़ोन में, तो न्यूज़ रिसेंट न्यूज़ कुछ पता नहीं है। अभी हमारे वेकेशन हो गया, हमारे पहले भी एक फ़्लाइट आ चुकी है वहाँ से, तो नेक्स्ट फ्लाइट शायद अरेंज कर रहे हैं वो लोग हमारे स्टूडेंट्स की। कितने टाइम से आप वहाँ थे? मैं सितंबर 2021 में गई थी वहाँ पे। और जो वहाँ की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए मतलब आपको क्या लगता है कि जो मतलब इतना एक डरावना है जिस तरीके से बच्चों को मतलब लेकर आया जा रहा है, इस पर पढ़ाई पर भी कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा? हाँ पढ़ाई पर तो काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज चल रही है, कोविड की वजह से भी वही सब चल रहा था, तो काफ़ी इफेक्ट हुआ है। बट हम कुछ नहीं कर सकते अब इसमें जैसी सिचुएशन हो चुकी है। मेरा नाम सानिया है और हम यूक्रेन की वेस्ट साइड से आए हैं और वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं थी अभी तक, अभी भी कुछ नहीं है वहाँ पे फॉर्चुनेटली। और हमें वहाँ से पहले वैक्यूट किया क्योंकि हम रोमानिया बॉर्डर के पास थे, अब बाकी ईस्ट वाले बच्चे सब वेस्ट में आकर रहेंगे, उसके बाद उनको वैक्यूट किया जाएगा। कितने टाइम से आप वहाँ थे? हम थर्ड ईयर में हूँ मैं, 3 साल से हम वहाँ आए, लेकिन 3 दिन हुए हैं ये सब स्टार्ट हुए, तो हमें बहुत जल्दी निकाल दिया गया, वी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। कितने लोग आपके और जो साथ में वो लोग कितने थे? अभी अराउंड 18,000 बच्चे हैं वहाँ पर। अच्छा बहुत बच्चे हैं यूक्रेन में अभी, तो हम इंडियन गवर्नमेंट का साथ चाहिए हमारे साथ। इंडिया में आप किधर हैं? फरीदाबाद हरियाणा में। आई एम फ्रॉम चेर्नोवित्सी एंड वहाँ पे अभी तो फिलहाल कोई ऐसे ज़्यादा सीरियस सिचुएशन नहीं है, पर बाकी यूक्रेन में बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है और कीव एंड ऑल में अटैक्स एंड बॉम्बिंग इज जस्ट रेगुलरली गोइंग ऑन एंड स्टूडेंट्स को बंकर्स वगैरह में डाल दिया है फॉर द प्रोटेक्शन सेक। वी वर लकी इनफ, वी वर सो मच ग्रेटफुल टू गॉड कि हमें इंडियन एम्बेसी के थ्रू इतना अच्छा मौका मिला कि हम लोग इवैक्यूएट हो गए टाइम पे। एंड हमारे बाकी के जो भी जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं, बट दे विल सून बी इवैक्यूएटेड विद इन 1 and 2 days एंड देन बाकी सबको भी लेके जाया जाएगा, एवरीवन विल बी इवैक्यूएटेड सून। आप कितने टाइम से वहाँ थे? हमें अभी थोड़ा टाइम हुआ है, दो तीन दिन हम चेर्नोवित्सी में थे और फिर ऐसे अटैक्स की न्यूज़ आने लग पड़ी, तो हमें सबसे वी वर टोल्ड दैट बॉर्डर एरिया से बच्चों को जो है वो इवैक्यूएट किया जाएगा ज़्यादा जल्दी, तो दैट्स व्हाई वी वर इवैक्यूएटेड। इंडिया में कहाँ रहते हैं? इंडिया में मैं हिमाचल से हूँ, हमीरपुर से हूँ।